कहना थोड़ा नीचे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छो ना, चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। पिछले क्लास में आपको याद होगा बाबू कि हम आपको जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्ती के बारे में, फूल के बारे में काफी डिटेल्स पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग फल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि फल कितने प्रकार का होता है या फल के कितने परत होते हैं, किस फल का कौन सा भाग खाते हैं, फल का निर्माण कैसे होता है, इन सारे विशेष पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि फल का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि पौधे के जो प्रमुख भाग है, इस पौधे के प्रमुख भाग में आपको याद है और आप लोग कमेंट भी किए थे कि सर पौधे के प्रमुख भाग में आप चारे का नाम बताए, जड़ का, तना का, पत्ती का और फूल का, फल का तो आपने चर्चा ही नहीं किया। तो फल भी बाबू पौधे का पार्ट्स है, फल जो है वो भी पौधे का भाग है, लेकिन अंतर चल गया। फल जो है ये भी पौधे का भाग है, लेकिन अंतर किस बात का है कि फल का निर्माण फूल से ही होता है। फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण जो है वो फूल से ही होता है, इसलिए फूल जो है फल का निर्माण फूल से होता है, इसलिए फूल पौधे का मेन प्लांट में आ गया और फल जो है वो समझिए साइड का हो गया, यानी सब्सिडरी टाइप का हो गया। इसलिए हम लोग पौधे के जो मेन पार्ट्स है उसमें चर्चा चार का किए थे, जड़ का, तना का, पत्ती का और फूल का। अब बची फल की बात, तो हम आपको बताए थे कि फूल का एक मध्यवर्ती वाला भाग जो था जिसको हम लोग जायांग बोले थे, तो उस जायांग के नीचे में एक गोल जैसी संरचना था, उसको अंडाशय कहा जाता है। आपको याद होगा, नहीं फिर एक बार हम आपको दिखा देते हैं, ध्यान देंगे। अब आप देखिए यहां पर इस फिगर से, एक मिनट चला, ये फिगर हम आपको समझाए थे, तो इसमें हम आपको बताए थे ये वाला कंप्लीट पार्ट्स जो है ये जायांग का होता है। ये कौन सा पार्ट्स कहलाता है? तो आप सबको ये पता है कि ये फूल का जायांग वाला पार्ट्स है। जायांग बोले तो मादा जनन तंत्र वाला पार्ट्स है, तो मादा जनन तंत्र वाला जो पार्ट्स है ये जायांग है, और इसका जो ये बीच वाला पार्ट्स है इसी को कहा जाता है अंडाशय। इसको क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। इसको ओवरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका अंडाशय हो गया, ये आपका ओवरी हो गया, अर्थात फूल जो है इसके अंडाशय वाले भाग से, इसके ओवरी वाले भाग से ही प्रायः फल का निर्माण होता है। फल जो है वो पेड़ पौधे का एक अभिन्न अंग है, मेन चारे है, जड़, तना, पत्ती और फूल, लेकिन इसके अलावा क्या है, आपका फल जो है उसका निर्माण कहां से होता है? तो फल का निर्माण जो है फूल के जायांग वाले भाग जिसमें आपका अंडाशय रहता है, इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है प्रायः। तो जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उस फल को जानते क्या कहा जाता है? उसको सत्य फल कहा जाता है। जब किसी फूल के अंडाशय से फल का निर्माण होगा तो उस फल को क्या कहेंगे बाबू? तो उसको कहा जाता है आपका सत्य फल। कौन सा फल कहा जाता है? उसको सत्य फल के नाम से जाना जाता है, अर्थात फल का निर्माण अंडाशय से होता है, और अंडाशय से फल का निर्माण के आधार पे फल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो फल क्या है वह समझ गए कि फूल का जो जायांग वाला पार्ट्स होता है, फूल के जायांग वाले पार्ट्स से में एक अंडाशय रहता है, एक ओवरी रहता है, उसी ओवरी से किसका निर्माण होता है? उसी ओवरी से फल का निर्माण होता है, अर्थात फल जो है उसका निर्माण अंडाशय से होता है। उस आधार पर क्या किया गया? उस आधार पर जो है फल को दो भागों में बांटा गया। उसके निर्माण के आधार पे फल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है सत्य फल और दूसरे को कहा जाता है असत्य फल। तो फल कितना प्रकार का हो गया सब लोगों को पता चल गया, ये दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा भाई रे? तो एक को सत्य फल और दूसरे को क्या कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है। अब मन में आता होगा कि सर सत्य फल क्या होता है? तो सत्य फल वैसे फल को कहा जाता है
जिसका निर्माण ओभरी से होता है, जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, उसी को सत्य फल के नाम से जाना जाता है। जैसे आम हो गया, अमरुद हो गया, जामुन हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब का निर्माण किससे होता है? ओभरी से होता है, अंडाशय से होता है। अर्थात इस फल को क्या कहा जाता है? सत्य फल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया जितेंद्र जी? सत्य फल में कौन कौन आता है वो आपके किताब में भी लिखा हुआ है, सामने भी दिख रहा है, और हम आपको बता भी दिए कि सत्य फल जिसका निर्माण ओभरी से होता है, जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, उसे ही सत्य फल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आम आता है, अमरूद आता है, लीची आता है, धान आता है, गेहूं आता है, जामुन आता है, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आपको सत्य फल में आता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका निर्माण ओभरी से होता है, इसका निर्माण अंडाशय से होता है। क्लियर हो गया? दूसरा होता है बाबू असत्य फल। तो असत्य फल वैसे फल को कहा जाता है जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, पौधे के अन्य भागों से होता है, पत्ती से हो, तना से हो, जिसका निर्माण क्या कहते हैं आपका अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों से होता है, उसी को क्या कहा जाता है? जब अंडाशय को छोड़कर अन्य भागों से निर्माण होता है तो वैसे फल को क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। जैसे आपने काजू का नाम सुना होगा, आपने कटहल का नाम सुना होगा, आपने अनानास का नाम सुना होगा, ये सब का निर्माण चाहे कटहल हो या काजू हो या नाशपाती हो या अनानास हो या सेब हो, इन सारे फल का निर्माण कैसे हुआ? तो अंडाशय से नहीं होता है, पौधे के अन्य भागों से होता है। तो इस फल को क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। अर्थात सत्य फल में कौन आता है, असत्य फल में कौन आता है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और परिभाषा तो आप क्लियर हो गया कि जिस फल का विकास ओभरी से होगा, अंडाशय से होगा, उसको सत्य फल कहा जाएगा, और जिसका अंडाशय से नहीं होगा उसे असत्य फल कहा जाएगा। स्पष्ट डेफिनेशन लिखा है कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, यानी अंडाशय को छोड़कर पुष्प के या पौधे के अन्य भागों से होता है, उसे क्या कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है। तो सेब किस में आएगा? असत्य फल में। अनानास किस में आएगा? असत्य फल में। जामुन किस में आएगा? असत्य फल में। कटहल किस में आएगा? असत्य फल में। नाशपाती किस में आएगा? असत्य फल में। तो आपने देखा यहां पर फल का दो भाग हो गया, एक हो गया सत्य फल और दूसरा क्या हो गया? असत्य फल। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब अगला आपका है फ्रूट्स का, ये विभिन्न टाइप्स लिखा हुआ है, इसमें अब आप कह सकते हैं कि कौन सत्य फल है और कौन असत्य फल है। इसके अलावे एक प्रकार के और फल जो है उसको निषेचन के आधार पर बांटा गया है, उसको कहा जाता है अनिषेक फल, यानी वैसा फल जो बिना निषेचन का बनता है, जिसमें बीज नहीं होता है, वैसे फल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेक फल बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे इसका बाबू? कोई तरीका नहीं है, आपको डिफिनिशन समझ में आ गया और एग्जाम्पल आपको याद करना है, कौन सत्य फल है कौन असत्य फल है उसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा तभी होगा। पहचानने का कोई यंत्र नहीं है, जो यंत्र लगाइएगा या आंख में कोई शक्ति नहीं पहचान लीजिएगा, ये सब कोई उसका फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कैसे पहचानेंगे, सीधा जानेंगे जिसका विकास अंडाशय से होगा, ओभरी से होगा वो सत्य फल कहलाएगा, ओभरी से नहीं होगा, अन्य चीज से होगा तो असत्य फल कहलाएगा। आम आपका सत्य फल हो गया, सेब आपका असत्य फल हो गया। एक हम आपको नई चीज बता रहे थे सत्य असत्य के अलावा, वो है आपका अनिषेक फल। कहेगा सर ये अनिषेक फल क्या होता है? तो अनिषेक फल वैसे फल को कहा जाता है जो बिना फर्टिलाइजेशन का, जो बिना निषेचन का उत्पन्न होता है, तो जो बिना निषेचन का होगा उसी को अनिषेक फल के नाम से जाना जाता है। अर्थात अनिषेक फल में कौन आ जाएगा जानते हैं? जिसमें बीज नहीं रहता है, जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, ये किस में आता है? अनिषेक फल में आता है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है उसका निर्माण होता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आपका है कि किसी भी फल को जब हम लोग देखते हैं तो फल में कई टाइप्स के फल भित्ती होते हैं, कई तरह का उस फल में परत होता है, उस परत को क्या कहा जाता है?
उस परत को पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है, यानी फल में जो कई भाग होता है जिसको फल भित्ति कहा जाता है, उस फल भित्ति को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, उसको पेरिकार्प कहा जाता है। और पेरिकार्प का निर्माण जो है वो कितने लेयर से हुआ है, तो पेरिकार्प का निर्माण तीन प्रकार के परत से हुआ है। क्लियर? जैसे मान लिया जाए आप आम देखे होंगे, ऐसा तो नहीं है ये बहुत बड़ा ये मांगा फल आपने देखे होंगे, तो आपने जो आम देखा होगा तो आम में देखिएगा एक बाहर से परत रहता है जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, उसको छिलकर फेंक देते हैं तो एक परत आपका छिलका वाला हो गया। उस छिलका के नीचे देखिएगा गुद्दा रहता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो एक परत गुद्दा वाला हो गया। उसके अंदर में एक गुठली रहता है जिसको हम लोग बीज कहते हैं, तो एक लेयर आपका बीज हो गया। तो आपके आम में कितना परत हो गया, तो कहेंगे सर आम में तीन परत हो गया, एगो छिलका हो गया, एगो गुद्दा हो गया और एगो गुठली हो गया। हो गया ना भाई? तो आपके आम में यानी आपका पेरिकार्प जो है उस पेरिकार्प का निर्माण कितने परत से हुआ, तो आप कहेंगे सर पेरिकार्प का निर्माण तीन लेयर से हुआ। कौन कौन? एक छिलका जिसको इपिकार्प या एक्सोकार्प कहा जाता है, दूसरा गुद्दा वाला भाग जिसको मेसोकार्प कहा जाता है यानी मध्य फल भित्ति कहा जाता है, और एक हो गया बीज जिसको इंडोकार्प कहा जाता है अर्थात अंतः फल भित्ति कहा जाता है। तो फल का कितना परत हो गया? तीन परत। कौन कौन? एक बाह्य फल भित्ति जो बाहर में रहता है, दूसरा मध्य फल भित्ति जो गुद्दा वाला बीच में रहता है, और एक अंतः फल भित्ति जो कि बीज कहलाता है वो सबसे अंदर रहता है। इसलिए कितने परत में बांटा गया? तीन परत में। और इस फिगर से क्या आप प्रैक्टिकली जीवन में ये अनुभव किए होंगे, किया ना बाबू, कि एक आम का सबसे बाहर वाला लेयर रहता है, सबसे बाहर वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, अर्थात वो क्या कहलाता है, एक्सोकार्प कहलाता है, या उसको इपिकार्प के नाम से भी जाना जाता है, इपिकार्प या उसको एक्सोकार्प के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसमें गुद्दा रहता है, कौन वाला पार्ट्स रहता है, उसके बाद जो है उसमें गुद्दा वाला पार्ट्स रहता है उसको कहा जाता है मेसोकार्प यानी मध्य फल भित्ति, और सबसे अंदर में क्या रहता है, बीज रहता है, ये आपका कहलाता है इंडोकार्प यानी अंतः फल भित्ति। तो कितना टाइप हो गया? तीन, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। क्लियर हो गया? तो आगे आप देखेंगे इसके बारे में अस्पष्टता जो हम आपको समझाए वो लिखा हुआ है कि बाह्य फल भित्ति क्या है। तो फिगर से आप समझ गए होंगे कि आपके पेरिकार्प में जो सबसे बाहर था जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, जिसको छील छील कर हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसको नहीं खाते हैं, तो बाहर वाला जो परत है जिसको फल के छिलके का निर्माण जिससे होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इपिकार्प कहते हैं अर्थात बाह्य फल भित्ति कहते हैं, यानी फल का बाहरी भाग। दूसरा आपका मध्य फल भित्ति है जो पेरिकार्प के बीच वाला पार्ट होता है जिसको गुद्दा बोलते हैं, जिससे गुद्दा का निर्माण होता है, तो जिससे पल्ब यानी गुद्दा का निर्माण होता है वो आपका मध्य फल भित्ति कहलाता है, और सबसे अंदर में अंतः फल भित्ति होता है यानी इंडो कार्प होता है। ये सबसे नीचे वाला, सबसे बीच वाला जिसको आप बीज कहते हैं, वो बीज आपका क्या हो गया, तो वो बीज आपका अंतः फल भित्ति हो गया, उसको इंडो कार्प के नाम से जाना जाता है। अंतः फल भित्ति बोले तो उसको इंडो कार्प के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो गया, वो इंडो कार्प हो गया। तो इस तरह तरीके से ये क्लियर हो गया कि आपके फल का तीन लेयर, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आपको बताएंगे कि फल का कौन सा भाग खाते हैं। हालांकि ये सब आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल सा होगा क्योंकि आप ये जान चुके हैं या आप प्रैक्टिकली जीवन में बहुत सारा फल खाए भी होंगे, तो किसका कौन भाग खाते हैं वो आपको पता है। जैसे हम आपसे धान की बात करते हैं, गेहूं का बात करते हैं, बाजरा का बात करते हैं, ज्वार का बात करते हैं, तो धान का आप क्या खाते हैं, आप बीज खाते हैं। गेहूं का क्या खाते हैं, बीज खाते हैं। तो धान का, गेहूं का, ज्वार का, बाजरा का, मक्का का हम बीज खाते हैं जो उसका भ्रूण पोष है, क्योंकि उसी बीज से उसके भ्रूण का निर्माण होता है। अरे वही ना, बीज अंकुरित होता है तो प्लांट का निर्माण करता है। तो परीक्षा में आपसे सवाल पूछता है कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सबका कौन भाग खाया जाता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे,
उसका भ्रूणपोष खाने का काम करते हैं। क्या खाते हैं भाई? उसका भ्रूणपोष खाते हैं। मान लिया जाए आपसे यदि बात किया जाए आम का, तो आम का तो आप छिलका फेंक देते होंगे, गुठली भी फेंक देते होंगे, तो खाते क्या है? उसका गुद्दा खाते हैं। तो गुद्दा में क्या? मद्यफल भित्ति। गुद्दा का निर्माण कैसे हुआ? तो मद्यफल भित्ति से। इसका मतलब आम का क्या खाते हैं? गुद्दा खाते हैं। पपीता का गुद्दा खाते हैं, यानी मद्यफल भित्ति खाते हैं। तो परीक्षा में आपसे सवाल पूछी देगा कि आम का, पपीता का, इमली का क्या खाते हैं, तो आप क्या कहिएगा? उसका मद्यफल भित्ति खाते हैं, यानी इपिकार्प को भी फेंक देते हैं, इंडोकार्प को भी फेंक देते हैं, खाली मेसोकार्प खाते हैं, यानी मद्यफल भित्ति खाने का काम करते हैं। क्लियर? ये सब तो याद ही हो गया होगा, एकदम सेट भी होगा, प्रैक्टिकली लाइफ में भी आप फल खाए होंगे तो आपको पता ही होगा। क्लियर? चलिए, एग्जाम कब होगा लक्ष्मी कुमारी? ये तो जाके मोदी जी से पूछो, एग्जाम कब करवाएंगे, बोर्ड से पूछो। हम लोग तो प्रयास में लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी तुम लोग का एग्जाम हो जाए, क्योंकि तुम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो, परेशानी तो तुम लोगों के साथ भी है, तो हम लोग बीच में लगे हुए हैं कि आप लोग का एग्जाम जल्दी हो जाए। इस पर पूरा काम चल रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर से पूरा इस पर जोर दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? अगला अमरूद की बात करेंगे, करेला का बात करेंगे, बैगन का बात करेंगे। तो अमरूद का भी आप सब कुछ खाते हैं, करेला का भी सब कुछ खाते हैं, फिर आपका ये बैगन का भी सब कुछ खाते हैं। इसका मतलब उसका हम लोग क्या खाते हैं? उसका फल भित्ति और बीज सब खाते हैं। अरे अमरूद का बीज और खा लेते हैं, कैसा है? बीज तोड़ दे फेंक देते, नहीं, तो उसका सब कुछ खाते हैं। इसका मतलब फल भित्ति और बीज, ये सब कुछ खाने का काम करते हैं, चाहे वो आपका अमरूद हो, बैगन हो, करेला हो, टमाटर हो, परवल हो, इस सब का हम लोग सब कुछ खाने का काम करते हैं। आपका बुक नहीं मिल रहा है मधुबनी में, तो बुक स्टॉल वाले को बोलो बाबू कि ये बुक हमको चाहिए, वो आपको उपलब्ध करा देगा। हर जगह मिलती है, कोई कोई दुकानदार, जिस छोटा मोटा दुकानदार है वो नहीं भी रखता होगा, जो बड़े बड़े होलसेलर होंगे उनके पास होगा, या वो मंगवा देगा। बोलो कि आज पब्लिकेशन का, या इसके जास्तर का जो पब्लिकेशन, आज पब्लिकेशन है, उसमें से ये बुक चाहिए, वो बुक चाहिए, या बुक मंगवाइए, यहाँ के बच्चे का डिमांड में है, तो वो बुक आपको वहां उपलब्ध करा देगा। क्लियर? या तो आप सॉफ्टडे से भी बुक मंगवा सकते हैं, सॉफ्टडे पर ऑर्डर कीजिए, आपके घर तक बुक पहुंच जाएगा। अब यदि सेब की बात करते हैं, नाशपाती का बात करते हैं, तो सेब और नाशपाती में आप क्या करते हैं? उसका एक छोटा छोटा बीज जो रहता है उसको खाली छोड़ देते हैं, बाद में सब कुछ खा लेते हैं। इसका मतलब उसका क्या खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं, उसको, उसका हम लोग थैलेमस वाला पार्ट्स खाते हैं, क्योंकि सेब थैलेमस में रहता है, तो सिर्फ उसके बीज को हटा देते हैं, बाद में सब कुछ खा देते हैं, उसको पुष्पासन कहा जाता है। क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि सेब और नाशपाती के कौन सा भाग खाते हैं, तो आप आंसर क्या देखिएगा, पूजा पुस्तक भंडार में मिल रहा है। चलिए, मधुबनी में एक लड़का ने जवाब दिया, ब्रह्मदेव, कि सर पूजा पुस्तक में मिल रहा है, तो मधुबनी में पूजा पुस्तक भंडार जाइए, वहां आपको किताब मिल जाएगी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। देखिए, किसी को किताब नहीं मिलता है और इस तरह का कमेंट करता, आप लोग एकदम ध्यान दीजिए, और उसको यदि प्रॉब्लम है तो आप बताइए। चूंकि मेरे ख्याल से भारत का जहां भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर कि हमारी किताबें नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए और मिलती भी है। क्लियर? तो आइए, तो आंसर क्या हो गया बाबू? पुष्पासन हो गया। तो क्लियर हो गया, सेब और नाशपाती जो है, ये सेब और नाशपाती जो है, इसका कौन सा भाग खाते हैं? तो हम लोग पुष्पासन खाते हैं। क्लियर हो गया? अगला, नींबू, संतरा और मौसमी। आप नींबू की बात करते हैं, या आप संतरा की बात करते हैं, या मौसमी की बात करते हैं, तो आप उसका क्या पीते हैं? उसका रस पीते हैं। इसका मतलब उसके रसीले रोम को ग्रहण करते हैं। तो क्लियर हो गया, नींबू हो, नारंगी हो, मौसमी हो, उसके रसीले रस को पीते हैं। इसका मतलब उसके रसीले रोम को खाने का काम करते हैं, उसका जूसी एयर जो है, रस देना, हम लोग खाने का काम करते हैं। आरके सर का मैथमेटिक्स आज शाम तक पटना के मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। आरके सर का एडवांस मैथ आज शाम तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, और आप जहां भी है कल परसों तक में वो आपके मार्केट में भी चल जाएगा, और सॉफ्टडे से भी उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। आरके सरकार मैथ का बुक सॉफ्टडे से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या आपके घर तक पहुंच जाएगा। सॉफ्टडे पर वो ऑर्डर किए हैं, 20 दिन हो गया, नहीं जा रहा है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, आज हम बोलेंगे। चलिए, अब अनार का बात करते हैं। तो अनार का आप क्या खाते हैं? अनार के रसीले बीज को हम लोग खाने का काम करते हैं। तो ये खाने योग्य भाग क्या हो गया अनार का?
रसीला बीज हो गया। अब लीची की बात करते हैं तो लीची का आप क्या खाते हैं, लीची का छिलका फेंक देते हैं, अब बीज भी फेंक देते हैं, बीच वाला पार्ट्स खाते हैं, तो लीची का वो क्या हो जाता है, आपका मध्य फल भित्ति हो जाता है और उसका अलग से नामकरण किया गया है, उसको एरिल कहा जाता है। लीची का जो मध्य फल भित्ति है जिसको हम लोग खाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस लीची के मध्य फल भित्ति को एरिल के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसके एरिल वाले पार्ट्स को हम लोग खाने का काम करते हैं। अगला अंगूर है, अंगूर का भाई क्या खाते हैं, तो अंगूर का तो आप फल भित्ति खाते हैं, केला का आप क्या खाते हैं, उसका भी केला का हम लोग मेसोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं, लेकिन अंगूर का क्या खाते हैं, आगरा में मिलता है बुक, चलिए धन्यवाद, कानपुर में नहीं मिल रहा है शिवम, कानपुर में बुक जाता तो है, हो सकता है हर जगह उपलब्ध ना हो पाया हो, धीरे 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 वो हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। चलिए तो ये हम आपको फल के खाने योग्य के बारे में बता दिए कि फल का कौन कौन सा भाग हम लोग खाने का ग्रहण काम करते हैं, फल के किस भाग को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब यदि अनिषेक फल की हम आपसे बात करते हैं तो अनिषेक फल का मतलब होता है कि वैसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन का होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे फल को अनिषेक फल कहा जाता है। जैसे हम आपको बताए थे केला के बारे में, अंगूर के बारे में, गुल्लर के बारे में, कदम के बारे में, कि केला हो, कदम हो, गुल्लर हो, अंगूर हो, ये सब का उत्पादन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात इसको क्या कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है। और इस फल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस फल में जो है बीज नहीं पाया जाता है। एकदम ध्यान से मेरी बात को समझिए तब आपको जाकर यह याद हो पाएगा। इन सारे क्या होता है, फल में बीज नहीं पाया जाता है बिना निषेचन का। अरे स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस फलों का निर्माण बिना परागण या बिना निषेचन का होता है। तो जिसका निर्माण बिना निषेचन का होगा, बिना परागण का होगा, वो अनिषेक फल कहलाता है। जैसे केला बोले, अंगूर बोले, या फिर आप गुल्लर बोले, या आपका कहते हैं ये कदम बोले, ये सब अनिषेक फल कहता है। और इस फल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, बीज नहीं होता है। स्पष्ट लिखा हुआ है इस प्रकार के फलों में बीज नहीं पाया जाता है। तो जिसमें बीज नहीं पाया जाता है वैसे फल को क्या कहा जाता है, अनिषेक फल कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, केला, कदम, अंगूर, गुल्लर, ये सब क्या कहलाता है, ये टोटल का टोटल अनिषेक फल कहलाता है। कोई कंफ्यूजन, चलिए जहां किताब नहीं पहुंच पा रही है चेला, आप या तो दुकानदार को बोलो किताब मंगवा दो, या फिर आप सॉफ्टड्रेस से ऑर्डर करो, आपके घर तक किताब पहुंच जाएगी। 10-20-5 रुपया ज्यादा कम लगेगा, लेकिन आपके घर तक चल जाएगा। दिल्ली में भी नहीं मिल रहा है, आदित्य कुमारी आप दिल्ली से पढ़ते हैं, ऑनलाइन हमारी बुक जो है वो आपको शॉप डे पर मिलता है। आप शॉप डे जो है उस शॉप डे को इंस्टॉल कीजिए और उसी पे हमारी बुक जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। क्लियर, चलिए तो ये हम लोग अभी फल के बारे में काफी विशेष जानकारी लिए। अब हम आपको बताते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, जिसको आप कहते हैं पादप हार्मोन। तो अब आपको समझना है कि सर ये प्लांट हार्मोन क्या होता है, तो प्लांट हार्मोन जो है ये पादपों में पाया जाने वाला वैसा हार्मोन है जिसके द्वारा पौधे का वृद्धि, पौधे का विकास, फल का पकना, पत्ते का झरना, इन सारे क्रियाओं का कंट्रोल हो पाता है, इन सारे क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, पादप हार्मोन कहा जाता है। और पादप हार्मोन को जानते कितने भागों में बांटा गया, तो आपका प्लांट हार्मोन जो है उसको 5 भागों में बांटा गया। एक को ऑक्सिन कहा जाता है, दूसरे को जिब्रेलिन कहा जाता है, तीसरे को साइटोकिनिन कहा जाता है, चौथे को इथिलिन कहा जाता है, और पांचवा को एब्सेसिक एसिड कहा जाता है। क्लियर, कितने भागों में बांटा गया, तो आपके पेड़ पौधा में 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। कितना प्रकार का, पेड़ पौधे में 5 प्रकार का हार्मोन रहता है। कौन कौन, तो ध्यान से सुनेंगे, एक को ऑक्सिन कहा जाता है, दूसरे को जिब्रेलिन कहा जाता है, तीसरे को साइटोकिनिन कहा जाता है,
चौथी को एब्सेसिक एसिड कहा जाता है और एक को इथिलीन कहा जाता है। जल्दी कमेंट करके बताओ, याद हो गया ना? याद हो गया तो जल्दी लिखो पट 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 पट। दिल्ली में मुखर्जी नगर में बुक मिल रहा है। बीके मिश्रा लिखते हैं सर दिल्ली के मुखर्जी नगर में बुक मिल रहा है। यस सर जी, मैं दिल्ली से हूं अदिति। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। तो दिल्ली में मुखर्जी नगर में बोल रहा है मिल रहा है, या फिर सॉफ्टडे से ऑर्डर कर लो, किताब पहुंच जाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, अब बहुत ज्यादा नहीं सोचना है के। चलिए थैंक यू। तो कितने भागों में बांटा गया? तो आपका प्लांट हार्मोन जो है ये पांच प्रकार का होता है। कहेंगे सर कौन कौन? तो एक हो गया ऑक्सिन, दूसरा जिब्रिलिन, तीसरा साइटोकिनिन, चौथा इथिलिन, और पांचवा क्या हो गया? एब्सेसिक एसिड। और ये सारा का सारा जो है इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और आपके सामने आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है आपका प्लांट हार्मोन में, एक आपका ऑक्सिन हो गया, दूसरा जिब्रेलिन हो गया, तीसरा साइटोकिनिन हो गया, चौथा इथिलिन हो गया, और पांचवा क्या हो गया? एब्सेसिक एसिड हो गया। अब सबके कार्य को देखना है, तो पहले कार्य को आप समझ लीजिए, इसके बाद आपके बुक में भी और यहां पर भी स्लाइड में आप देखेंगे सबके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है, इस हार्मोन को जानते हैं, इसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? आपका जो ऑक्सिन हार्मोन है इसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। और यह हार्मोन जानते हैं पौधे के सबसे शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। पौधा का जो सबसे शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है, तो इस शीर्ष वाले भाग में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। यह ऊपर का भाग है जो पौधे की लंबाई के वृद्धि करने में क्या करता है? सपोर्ट करता है। अरे कोई पौधा छोटा से बड़ा धीरे धीरे लंबा होता है ना, तो पेड़ पौधे के लंबाई में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण से होती है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण से। किसी पेड़ पौधे के लंबाई में जो वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि किसके कारण से होता है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। इस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। और यह हार्मोन क्या करता है? धीरे धीरे अपनी पौधे की लंबाई में बढ़ती है, अर्थात सूर्य का प्रकाश जो है यह सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ती है। ऑक्सिन हार्मोन जो है यह पौधे के सबसे शीर्ष भाग में पाया जाता है, और इसका विकास हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर होता है, अर्थात पौधे की लंबाई वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो आप कहेंगे ऑक्सिन हार्मोन, इसी को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? दूसरा आपका है जिब्रेलिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या है कि आपको क्या करता है? पौधे की पत्तियां जो होती है जब वो सूख जाती है तो इस पत्ती को क्या करता है? यह झरने में या पत्ती के जो नई पत्ती है उसको उगाने में भी क्या करता है? यह मदद करता है। आपका साइटोकिनिन हार्मोन क्या करता है? यह पौधे की मोटाई बढ़ाने में या पौधे की गोलाई बढ़ाने में यह पौधे का सपोर्ट करता है। इथिलीन हार्मोन क्या करता है? यह इथिलीन हार्मोन पौधे को नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से जो पौधे में फल पकता है, इस फल को पकने में क्या करता है? मदद करता है। तो फल को पकने में मदद कौन करता है? इथिलीन। कोई भी पेड़ पौधा में फल जो पकता है उस फल को पकने में कौन मदद करता है? इथिलीन। और लास्ट में आपका एब्सेसिक एसिड है, यह क्या करता है? यह पौधे की पत्ती जो है जो पीली पड़ जाती है उसको क्या करता है? वो धीरे धीरे या फल जो है पक जाता है उसको गिराने में क्या करता है? वो मदद करता है। तो क्लियर हो गया? आपने अभी पांचों के बारे में समझ लिया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथिलीन और एब्सेसिक एसिड। और वही लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि इसको ग्रोथ हार्मोन या इसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन हम करते जा रहे हैं, आप भी अपने बुक को जब पढ़िए तो ये सारे चीज को अंडरलाइन कीजिए। चलिए तो ये क्लियर हो गया। ऑक्सिन को क्या कहा जाता है बाबूरे? तो ऑक्सिन को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, इसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। ये पौधे के किस भाग में पाया जाता है? शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। ये सब हमको याद करवा चुके हैं। इससे पौधे के किस में वृद्धि होती है? इससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके अलावा पेड़ पौधे के आसपास जो खरपतवार रहता है, यह हार्मोन क्या करता है? उस खरपतवार को भी नष्ट कर देता है। यानी खरपतवार को भी नष्ट करने में या फूल और पत्ती को गिरने में भी क्या करता है? गिरने से रोकता है और खरपतवार को भी नष्ट करता है। दूसरा जिब्रेलिन है, फूल और पत्ती जो है
इसको विकसित करने में कौन मदद करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है ये फूल को वृद्धि करता है या फिर पत्ती को विकसित करता है, और जब पत्ती विकसित हो जाता है तो बड़ा आकार का हो जाता है, तो ये उसके विकास में सहायता प्रदान करता है। कौन? जिब्रेलिन। लेकिन आपका एब्सेसिक एसिड क्या क्या था? जब पत्ता सूख जाता है तो उसको गिरने में मदद पहुंचाता है एब्सेसिक एसिड, और फूल और पत्ती के विकास में कौन सपोर्ट करता है? तो आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है फूल और पत्ती के विकसित होने में उसका सपोर्ट करता है। अगला है आपका साइटोकिनिन। कहेगा सर ये साइटोकिनिन क्या करता है? तो ये आपको कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है, जिससे पौधे की गोलाई या पौधे की मोटाई जो है उसमें वृद्धि होती है। तो पौधे की गोलाई या पौधे की मोटाई में वृद्धि किसके वजह से होता है? तो आपको साइटोकिनिन से होता है। स्पष्ट लिखा है ये कोशिका विभाजन को तेज करता है, इससे पौधे की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। तो जिससे पौधे की मोटाई में या पौधे की गोलाई में वृद्धि होती है वो हार्मोन कौन सा हो जाएगा? साइटोकिनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? साइटोकिनिन हार्मोन। ये तो कई प्रकार का प्लांट है, उसका फिगर है। अगला इथिलीन के बारे में बोला जाए तो हम आपको बता दिए पादपों में निर्मित एकमात्र गैसीय हार्मोन जो है वो आपका इथिलीन है, जो क्या करता है? पेड़ पौधे में ही फल को पका देता है। नेचुरली जो आम का पेड़ है और उसमें जो आम पकता है, कटहल के पेड़ में जो कटहल पकता है, लीची के पेड़ में जो लीची पकता है, वो कभी खाकर देखिएगा, उसका इंटरेस्ट ही कुछ और है। वो खाने में आपको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से पका है। तो पेड़ में फल प्राकृतिक रूप से कैसे पकेगा? तो आप आंसर क्या देंगे? इथिलीन हार्मोन के कारण। और ये रहेगा जो हम लोग कारपेट देकर पकाते हैं तो उसमें क्या है? एसिटिलीन। आप जो कारपेट देकर पकाते हैं वो आपका एसिटिलीन है, और जो नेचुरली पकता है वो क्या होता है? इथिलीन। क्लियर हो गया? कारपेट देकर पकाएंगे तो एसिटिलीन, और जो नेचुरली पकता है वो हो जाएगा इथिलीन। स्पष्ट लिखा होगा एसिटिलीन जो है इससे कृत्रिम तरीका से पकाते हैं, और प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन मदद करता है? तो आपका इथिलीन। तो ये देखिए नेचुरल पका हुआ है और इसको पकाया जाता है। ये पौधा में लगा हुआ है, पेड़ में लगा हुआ है, ये प्राकृतिक रूप से पका तो इथिलीन के कारण, इसको पकाया गया एसिटिलीन के कारण। और लास्ट में हम लोग क्या देखे थे? एब्सेसिक एसिड, जिसके बारे में आपको पता है ये पुरानी पत्ती को, पुराने फल को, पके फल को, पके पत्ती को झरने में क्या करता है? गिरने में मदद पहुंचाता है। अर्थात ये क्या हो गया? एब्सेसिक एसिड हो गया। तो अभी आपने पादप हार्मोन के पांचों टाइप्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। अब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आज की सेवा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। लव यू ऑल।